ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰੈਨੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਦਾਮ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਜੀਰੇ ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੈਂਗੇ ਆਪ ਪਿਆਜ਼? ਲੈ ਲਿਆ 2.5 ਕਿਲੋ ਲਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾ ਮੰਦਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੰਡੀ ਮੇ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਬੇਚ ਰਹੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੇ ਮਾਰਜਨ ਪਾ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ ਕਾ ਮਾਰਜਨ ਪਾ ਬੇਚ ਰਹੇ ਥੇ ਯਾ 10 ਕੇ? इतनी लूट ना मचानी चाहिए जितनी लूट मचा रखी उन्होंने। एक्चुअली क्या है कि लोकल फसल कम होने की वजह से जो यहाँ की लोकल फसल है वो कम है, नासिक से जो प्याज की अराइवल है वो कम आ रही है, इसलिए थोड़ा सा महंगा है। जब ये अराइवल थोड़ी बढ़ जाएगी तो इसका रेट डाउन आ जाएगा। अभी तो नई प्याज अभी नया प्याज भी उसकी फसल अच्छी नहीं है ना सर, उसकी फसल बढ़िया नहीं है, लोकल फसल कम है। जो लोकल हमारे हरियाणा की लोकल बेल्ट की फसल है वो कम है। रिटेल में यहाँ पर ये 3000 से लेके 3200 रुपए क्विंटल हम पर होलसेल में बेच रहे हैं, मार्केट में होगा अंदाजा 35 से लेके 40 रुपए किलो तक। इसके डाउन आने की उम्मीद? डाउन 2-4-5 दिन में जैसे अराइवल बढ़ेगा आगे से तो इसका रेट डाउन आ जाएगा। दिवाली की वजह से पीछे लोडिंग कम हुई है, लेबर कम, ये छठ पूजा की वजह से लेबर कम मिल रही है, लेबर नहीं है, लेबर की प्रॉब्लम है, गाड़ियां नहीं है, लोडिंग कम हो रहा है। क्या लगता है जिस हिसाब से प्याज का रेट बढ़ रहा है ऐसा कुछ नहीं। अंबाला तो BS कुलियानी की रिपोर्ट, चैनल 2।